स्वामी जी, एक बात तो तय है कि वो तमाम दर्शक जो ना सिर्फ हमारे कार्यक्रम को देखते हैं बल्कि हर दिन आपके साथ योग करते हैं, यौगिक जीवन जीते हैं, उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। और मैं अलग अलग शहरों में जाती हूँ, जब फर्स्ट हैंड रिएक्शन मुझे लोगों से मिलता है तो ये बात और पुख्ता हो जाती है कि लोगों को कितना फ़ायदा मिल रहा है इस कार्यक्रम के ज़रिए, आपके सिखाए हुए योग के ज़रिए। एक और रिपोर्ट का जिक्र करती हूँ, ये रिपोर्ट जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में है। भारतीय अगर हेल्दी हैबिट्स को अपनाते हैं तो इटली, फ्रांस और पुर्तगाल के लोगों की तरह लंबी लाइफ जी सकते हैं। स्वामी जी, ये जो लाइफ स्टाइल है और ये लाइफ एक्सपेंडिटी की अगर हम बात करते हैं तो इंडियंस को क्या सुधार करने पड़ेंगे, क्योंकि भारतीयों की तो ज़िंदगी बहुत अच्छी और लंबी हुआ करती थी, सेहतमंद हुआ करती थी, धीरे धीरे करके बहुत हमारे यहाँ तो आशीर्वाद ही मीनाक्षी जी आयुष्मान भव का दिया जाता था जी। जीते जागते रहो, माने हमारे यहाँ तो पश्चिम शरदा शतम के वेद मंत्रों की ऋचाओं के गीत गाए हमने। पवन मुक्तासन उत्तान पादासन, बहुत सरल है सेतु बंद। लंबा जीने के लिए तीन मूल साधन हैं, त्रयोपष्टम्भाहा, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। सात्विक आहार, दो बार खाना खाएं और हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड लें, जिसमें वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों और दूध दही, ऐसे अच्छी चीज़ें हों। सात्विक आहार, पौष्टिक आहार, न्यूट्रिशियस फूड एंड हेल्दी प्योर फूड। और फिर वो भी दो बार, सुबह जूस काढ़ा, ऐसे अच्छी चीज़ें लें। सुबह 10 से 12 के बीच, शाम को 5 से 7 के बीच भोजन लें। नींद 6 घंटे की बहुत अच्छी हो, जो ज़्यादा ही सोने में आनंद लेते हैं वो 7-8 घंटे भी सो सकते हैं, लेकिन नींद उन्हीं को अच्छी आएगी जो योग करेंगे, नहीं तो आजकल लोगों की नींद उड़ी हुई है। तो नींद अच्छी आए उसके लिए योगाभ्यास करें और अपने आहार के साथ अपने विचार को भी व्यवस्थित रखें। जिनके विचारों में बहुत उथल पुथल, उधेड़ बुन मची रहती है ना, उनको नींद अच्छी नहीं आती। नींद अच्छी आए इसके लिए एक आपको व्यवस्थित जीवन जीना पड़ेगा और जीना ही चाहिए। तो खैर, मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये तो हमारी डेली का रूटीन है। इधर बेटियां तो कुछ ज़्यादा ही एडवांस आसनों में लगी हैं, और जिनको एडवांस योग करना हो तो वो कर लें। आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य का अर्थ है संयम, संयममय जीवन हो, सदाचारमय जीवन हो, मर्यादित जीवन हो। उठने बैठने खाने पीने की एक मर्यादा है, सोचने देखने सुनने की बोलने की, संबंधों की आचरण की एक मर्यादा है, अपने आचरण से अपनी निजता से नीचे नहीं आना। आहार, निद्रा और संयममय जीवन, योगमय जीवन होगा तो लंबा जीवन होगा, स्वस्थ जीवन होगा, सुखी जीवन होगा, समृद्ध जीवन होगा, सृजनात्मक और रचनात्मक जीवन होगा। अब यूँ जीने को तो बहुत से जीव, सांप से लेकर के हाथी से लेकर के कछुआ बहुत लंबा जीता है, लेकिन जीवन रचनात्मक होना चाहिए, सकारात्मक सृजनात्मक होना चाहिए, उत्पादक होना चाहिए। तो दोनों ही तरह का योग से जीवन होगा, लंबा जीवन होगा, सुखी जीवन होगा, समृद्ध सृजनात्मक एक दिव्य जीवन होगा, एक आदर्श जीवन होगा। ये योग से उपलब्ध होगा मेरी बहन मीनाक्षी जी। और सहज आसन, 5 से 10 आसन, 5 से 10 व्यायाम, 5 से 10 प्राणायाम, थोड़े ध्यान मुद्राएं और होम रेमेडीज हम रोज बताते हैं। वो इसीलिए बताते हैं कि लोग हमारे साथ साथ कर लेते हैं, किसी का साथ चाहिए ना, अकेले हो नहीं पाता। गृहस्थ में पति पत्नी का साथ, माता पिता का साथ, अध्यात्म में गुरु शिष्य का साथ, काम में सहकर्मियों का साथ, हर जगह परस्परता में, परस्परम भाव यंता श्रेया परम आवाप से ते जीवन चल रहा है। हमने आपका साथ लिया और हमारे जरिए सभी देशवासी, देश ही क्यों बल्कि विदेश से आने वाले रिएक्शन, उनके सवाल, उनके वीडियोस ये बताते हैं कि पूरा विश्व
जो कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम, वो वाकई में एक परिवार जैसा लगता है और सब एक दूसरे के सहयोगी बने हुए हैं। योग के साथ एकात्म हो रहा है। स्वामी जी, पावर योग के बाद बात हार्ट मसल्स की क्योंकि हो रही है, तो हार्ट के मसल्स को कैसे हेल्दी बनाए रखा जा सकता है? कई लोग ऐसे हैं जो मिलते हैं तो कहते हैं कि मैम हाथ का तो जो है हम अभ्यास कर लें, पांव का अभ्यास कर लें, मंडूक आसन से हमारे पेट का भी अभ्यास हो जाता है, लेकिन हार्ट के अभ्यास के लिए क्या करना चाहिए, उसके मसल्स को कैसे हेल्दी बनाए रखा जा सकता है? हार्ट के अभ्यास के लिए हार्ट को ठोकने की जरूरत नहीं है। जैसे हम कपाल भाते करके लीवर किडनी पेनक्रियाज यूट्रस ओवरी प्रोस्टेट का एक्सरसाइज देते तो हार्ट को कैसे एक्सरसाइज देना, हाथ हिलाते तो पैर हिलाते तो हाथ पैर की एक्सरसाइज हो जाती है। ये गोमुख आसन के जरिए हार्ट की एक्सरसाइज होती है, ये लंग बस्ती के जरिए हार्ट की एक्सरसाइज होती है, ये अलग प्रकार का हार्ट का इन्फ्लेमेशन और हार्ट की तमाम तकलीफें दूर होती है। आज बादल गरज रहे हैं, थोड़ी देर में बरसने वाले हैं, लगता है इंडिया टीवी के कार्यक्रम पूर्ण होने का इंतजार कर रहे हैं भगवान जी। जैसे ही पूरा होगा ऐसे ही तड़ातड़ बरसेगा, मूसलाधार बरसात होने वाली, घनघोर मेघ छाए हुए हैं, घनघोर घटा है छाई। और हार्ट के लिए ये गोमुखासन एक, दूसरा देखो ऐसे ही, ये दो कितना अच्छा है। गोमुखासन के बाद ये हार्ट के लिए, हार्ट के मसल्स के लिए, हार्ट के आर्टरीज के लिए लंबा सांस लेना, लंबा छोड़ना, ऐसे। अरे अभी तो बरसात आई नहीं है, पहले से क्यों ताड़ दिया तुमने? अच्छा पहले ट्राई करके देख रहे कि जब आए तो कैसे। हाँ ये तैयारी पूरी चल रही है, इधर दिखाना भाई, ये हमारे बच्चों ने तैयारी पूरी कर रखी है कि जब बरसात आए तो पूरी तैयारी है। हाँ ये तो आ ही गई रे, बोला और आ गई। हाँ, बारिश से इंतजार तो नहीं हुआ, वो भी हमारे साथ साथ योग करना चाहती है स्वामी जी। बोला अब स्वामी जी बोलते हैं हाँ, कि वर्षा योग आज भी होगा, इनके राग मलार से बारिश हो जाती थी, अपने गद्दे उठाओ, लेकिन यहाँ तो आपके आवाज से ही हो गई। गद्दे उठा करके अलग रख दो और नीचे पन्नी है उसी ऊपर बैठो। हाँ हाँ गद्दे उठाओ, वो गद्दे क्यों भीगने देना। तो जिनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है, गोमुखासन स्कंध संचालन, देखो ऐसे खड़े होकर के भी बैठ करके भी ऐसे ऐसे, फिर आगे झुकने वाला तो मैंने बताया था शशकासन ऐसे, और पीछे झुकने वाला सुप्त वज्रासन सुप्त पद्मासन, और देखो ये ऐसे उष्ट्रासन। ए बेटियों तुम पूर्ण उष्ट्रासन करो, उनका तो हार्ट 200 साल तक अच्छा रहने वाला है, इतनी जबरदस्त है। ये मेरे साथ जो बेटियां कर रही है यहाँ पर ऐसे ऐसे ये ऐसे, अब देखो ये बड़ा जबरदस्त है। हाँ तो भाई जिनको साक्षी जी मधुर अमीषा की तरह एडवांस योग करना है वो तो भाई ऐसे कर लेना, बाकी अपना अनुलोम विलोम कर लो। ये अनुलोम विलोम सहज गति से किया हुआ भस्त्री का, भस्त्री का 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक कपाल भाती का। कुछ लोगों ने भ्रांति फैला दी कि जिनको हार्ट बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है, थोड़ा कमर में दर्द है, तो कपाल भाती बिल्कुल नहीं करना, नहीं कपाल भाती करना सहजता से, इसी दम से करते हैं तो हार्ट हाई बीपी हर्निया बैकिक और कमजोरी सब ठीक होते, तेजी से नहीं करना। तो भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी उद्गीत और शीतली शीतकारी भी करना, चंद्रभेदी भी करना हार्ट के लिए। तो पूरा योग का पैकेज बता दिया, हार्ट के लिए पूरा योग का प्रोटोकॉल बता दिया मेरी बहन मीनाक्षी जी।